हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम बाल महाभारत कथा के पाठ्य विषय द्रोणाचार्य पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न एक, द्रोण कौन थे? द्रुपद उनसे क्या कहा करते थे? उत्तर, द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। वे पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद के सहपाठी और गहरे मित्र थे। द्रुपद उनसे कहते थे कि जब वे पांचाल की राजगद्दी पर बैठेंगे तो आधा राज्य उन्हें यानी द्रोण को दे देंगे। यद्यपि शिक्षा ग्रहण करने तक दोनों में खूब मित्रता रही, पर यह वाद में कायम न रह सकी। प्रश्न दो, द्रोण परशुराम के पास क्यों गए? उन्हें निराशा क्यों मिली? उत्तर, परशुराम अपनी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांटकर वन को प्रस्थान करना चाहते थे। यह बात जब द्रोण ने सुनी तो धन पाने की अभिलाषा लेकर वे परशुराम के पास गए। गरीब द्रोण जब तक परशुराम के पास पहुँचे तब तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट चुके थे। अब उनके पास देने को धन ना था, इसीलिए द्रोण को निराश होना पड़ा। प्रश्न तीन, द्रोण ने कुएं में गिरी गेंद किस तरह निकाली? उत्तर, द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर के राजकुमारों के अनुरोध पर गेंद निकालने के लिए एक सीक उठा ली और उसे पानी में फेंका। यह सीक तीर की भांति गेंद में लगी। फिर वे एक के बाद एक सीक फेंकते गए जो एक दूसरे से चिपकती जा रही थी। जब तक सीक का हिस्सा कुएं से ऊपर आ गया तो द्रोण ने उसे खींच लिया और गेंद निकल आई। प्रश्न चार, राजा द्रुपद ने द्रोण के साथ जो व्यवहार किया उसे आप कितना उचित या अनुचित समझते हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, राजा द्रुपद और द्रोण बचपन में साथ साथ पढ़ते थे। उस समय द्रुपद द्रोण को आधा राज्य देने की बात किया करते थे, परंतु राजा बनने पर वे उन बातों को भूल गए। अब उन्हें अपनी और द्रोण की हैसियत में अंतर नजर आने लगा। द्रुपद के इस व्यवहार को मैं बिल्कुल भी उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि द्रुपद की बातें घमंड भरी थी। वे द्रोण को मित्र न मानने की भूल कर रहे थे, मित्रता को संपदा की कसौटी पर देख रहे थे। अब थोड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न एक, द्रुपद की मनोकामना किस तरह पूर्ण हुई? उत्तर, द्रोणाचार्य ने द्रुपद को अर्जुन से बंदी बनवाकर उनका अपमान किया था। इसी अपमान का बदला लेना उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इसके लिए उन्होंने कठोर व्रत और तप किया और कामना की कि उसे एक ऐसा वीर पुत्र हो जो द्रोणाचार्य को मार सके और एक ऐसी कन्या हो जिसका विवाह अर्जुन से किया जा सके। उनकी यह मनोकामना पूर्ण हुई। उन्हें धृष्टद्युम्न नामक पुत्र पैदा हुआ जिसने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अजय समझे जाने वाले द्रोण को मार गिराया और उनकी यानी द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से अर्जुन का विवाह हुआ। प्रश्न दो, द्रुपद ने द्रोण की आशाओं पर किस तरह पानी फेर दिया? उत्तर, द्रुपद द्रोण से बचपन में कहा करते थे कि जब वे पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठेंगे तो द्रोण को आधा राज्य दे देंगे। द्रुपद के राजा बनने के बाद जब द्रोण उनसे कुछ धन पाने की अभिलाषा लिए उनके पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारे बचपन का मित्र द्रोण हूँ। द्रुपद राजा बन चुके थे, वे ऐश्वर्य के मद में चूर थे। उन्हें द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा। उन्होंने अपनी और द्रोण की हैसियत का अंतर बताकर अपमानित किया और द्रोण की धन पाने की आशा पर पानी फेर दिया। प्रश्न तीन, द्रोण ने द्रुपद को सबक सिखाने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर, द्रोणाचार्य द्रुपद के पास गए और बचपन का मित्र बताकर जब उनसे मिलना चाहा तो द्रुपद ने इसे अपमान समझा और उन पर क्रोधित होकर बोले, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है।
मुझे मित्र कहने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे राजा के पास एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता हुई है क्या? लाचारी से बचपन में साथ रहने को तुम मित्रता समझ बैठे? मित्रता बराबर हैसियत वालों में होती है। किसी राज्य का स्वामी ही राजा का मित्र हो सकता है। अपना ऐसा अपमान देख द्रोण ने द्रुपद को सबक सिखाने का निर्णय लिया। आज हमने द्रोणाचार्य पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।